एक कंट्री आप पे 200 साल राज करती है और फिर जब जाने की बात आती है तो कुछ दिनों के अंदर ही रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा क्या होने वाला था उनके साथ, जानेंगे आज के नजरिए में। ये वीडियो किसी भी फ्रीडम फाइटर की डिसरेस्पेक्ट के लिए नहीं बनाया है और गांधी जी का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में और उसके लिए मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या अंग्रेजों ने सच में 200 साल इंडिया पर राज करा था। वेल, टेक्निकली अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पे 90 ईयर्स तक रूल करा था। 200 सिर्फ इसलिए बोला जाता क्योंकि वो भारी लगता थोड़ा एज कम्पेयर टू 90 ईयर्स, और 200 बोलने से जो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग है लोगों के अंदर वो भी थोड़ी ज़्यादा जागती है। पर सबसे मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि वो इतना भागम भाग में क्यों गए। उन्हें डर था किसी बात का, क्योंकि 3 जून को पार्टीशन का प्लान अनाउंस हुआ, 30 जून को पार्टीशन होने का जो प्रोसीजर था उस पर एग्रीमेंट हुआ और 15 अगस्त को पार्टीशन हुआ। और जो पार्टीशन हुआ वो तो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, आज तक लड़ाइयाँ चल रही है उस पर, क्योंकि जिस इंसान ने पार्टीशन करा था, रेडक्लिफ नाम था उसका, उस इंसान को इंडिया की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, ना ही डेमोग्राफिक नॉलेज, ना ही ज्योग्राफिकल नॉलेज। और जो सेंसस का डेटा यूज करा था पार्टीशन के लिए वो भी आउटडेटेड था। पर इतना जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स खुद रूल नहीं करते थे इंडिया पे, वो रूल करवाते थे इंडियंस का यूज करके। और इंडियंस को भी ये बात धीरे धीरे रियलाइज हो रही थी, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स की जो पॉपुलेशन थी इंडिया में वो थी 45,500, और 1861 का जो सेंसस था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की जो पॉपुलेशन थी वो थी 125,945। ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक कंडीशंस ही ऐसी बना रखी थी इंडिया में कि लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ता था। इसलिए आप देखोगे कि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था तब 2,00,000 ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, और जब 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तब 25,00,000 ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे। समझ रहे हो ना। और वर्ल्ड वॉर टू भले ही ब्रिटेन जीत गया हो लेकिन उसको नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। 8,80,000 ब्रिटिश फोर्स खत्म हुई थी वॉर की वजह से, 6% अडल्ट मेल पॉपुलेशन खत्म हो गई थी वॉर की वजह से। जो लोग टोटल सर्व कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी को उनमें 12.5% की जो ब्रिटिश आर्मी थी वो खत्म हो गई थी वॉर की वजह से, इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद। ऊपर से यूएसए और कनाडा से लोन लेके तो वो लोग अपना देश चला रहे थे। अब सोचो, फाइनेंशियल हालत ख़राब, मैन पावर भी नहीं है, अब ऐसी नाजुक कंडीशन में आपके ऊपर जो 25,00,000 ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स पहले आपके लिए लड़ रहे थे, अगर वो बगावत कर दे तो आपका क्या होगा, ये हम सब इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अब आप सिचुएशन समझने की कोशिश करो, इंडिया में उस टाइम में भूखमरी थी, और ये कोई नेचुरल फेमाइन नहीं था कि बारिश नहीं आई अनाज नहीं होगा इसलिए लोग भूखे मर रहे हैं, आर्टिफिशियल फेमाइन था। हमारे यहाँ पे जो अनाज उगा था उसको भेजा जा रहा था वॉर के अंदर सोल्जर्स के लिए, और हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो आर्मी ज्वाइन कर रहा था और लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट आर्मी में आने के लिए। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि जो अफवाहें फैली हुई थी ब्रिटिश सोल्जर्स को लेकर कि वो 8 फीट के होते हैं, बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, जब इंडियन सोल्जर्स उनके साथ लड़े बैटल फील्ड में तब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? प्लस जर्मन आर्मी ने चटनी बना के रख रखी थी ब्रिटिश सोल्जर्स की, तो वो चीज़ भी देखी। और ये ऐसा मैं खुद पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ब्रिटिश आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर ने ये बात बोली थी कि क्या 9 सिखों की आर्मी है, ये दुनिया के सामने मजाक बना के रख देगी। और ये चीज़ एक फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन सोल्जर ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कही थी कि ब्रिटिश सोल्जर्स बहुत ज़्यादा चलाक होते थे, ऐसे तो वो बड़े बड़े बंगलोज में रहते थे, नौकर चाकर होते थे, लेकिन जब बात लड़ने की आती थी उल्टे पैर भाग जाते थे। ये चीज़ हुई जब जापान ने सिंगापुर पर अटैक करा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से जापानीज आर्मी से। उस टाइम पे जो बंगलोज में रह रहे थे ब्रिटिशर्स वो लोग इंडिया भगकर आ गए थे, और इंडिया आने के बाद में उन्होंने सिख और मराठा सोल्जर्स को लड़ने के लिए भेजा था जापानीज आर्मी से। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है, और इस डेवलपमेंट का भारत को आज़ाद करवाने में आगे जाके एक बहुत बड़ा रोल रहा, और ये डेवलपमेंट था आज़ाद हिंद फौज का। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, तो बस यही हुआ। वर्ल्ड वॉर के दौरान दो ग्रुप्स लड़ रहे थे, एक ग्रुप में ब्रिटेन था और एक ग्रुप में जापान था, और ब्रिटिशर्स के अंडर ब्रिटिश इंडियन आर्मी लड़ रही थी। तो हुआ ये कि जब जापानीज और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुई तो जापानीज लोगों ने ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया, और फिर बाद में इन सोल्जर्स का यूज करके इंपीरियल जापान और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने एक आज़ाद हिंद फौज खड़ी करी।
इस आजाद हिंद फौज का मकसद था भारत को आजाद करवाना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शुरुआत में आजाद हिंद फौज की कमान रास बिहारी बोस ने संभाली, लेकिन फिर कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने ये कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। और सुभाष चंद्र बोस के हाथ में जब ये कमान आई तो जैसे तो एक नई जिंदगी मिल गई हो आजाद हिंद फौज को। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो जैसे नारे दिए। काफी सारे लोग आजाद हिंद फौज से जुड़े इंडिया को आजाद करवाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने अलग अलग रेजिमेंट्स बनाई गांधी जी, नेहरू जी और मौलाना आजाद के नाम पे और खुद के नाम पे भी, और एक ऑल विमेन रेजिमेंट भी बनाई रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज जैपनीज आर्मी के साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया पे अटैक करती है, और ये अटैक हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, इम्फाल कोहिमा इस साइड से, जहाँ पे वेदर बहुत ज्यादा बुरा था। और जैपनीज आर्मी ने भी लास्ट मोमेंट पे अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से जो INA के सोल्जर्स थे वो काफ़ी असहाय हो गए, और ब्रिटिश इंडियन जो आर्मी थी उन्होंने कैप्चर कर लिया लगभग 12,000 से 13,000 INA के सोल्जर्स को। अब सोचो हुआ क्या, ये लोग पहले ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स के लिए लड़ रहे थे, बाद में इनको कैप्चर कर लिया जापान ने, जापान से ये INA में गए, अब INA से लड़ रहे थे वापस ब्रिटिश इंडियन आर्मी से, और उन्होंने वापस इनको कैप्चर कर लिया। तो इस दौरान जो कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, क्लाउड ऑचिनलेक, शायद प्रोनंसिएशन ऐसा ही हुआ, तो इस इंसान ने इंडियन जनता थी, इंडियन पॉपुलेशन थी, उनकी सहानुभूति लेने के लिए एक खेल रचा। मतलब कि ये दिखाना चाहता था कि जो सोल्जर्स इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए लड़ रहे थे वो एक तरह से ट्रेटर्स है, वो धोखेबाज है, क्योंकि उसने इंग्लिश एम्परर के अगेंस्ट जाके ये लड़ाई लड़ी है। तो इस इंसान ने रेड फोर्ट ट्रायल कराया, जिसे INA के ट्रायल्स भी कहा जाता है। ये ट्रायल्स ओपन में कराए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। और पहले INA के ट्रायल्स में प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शहनवाज खान, इनका ट्रायल था, और ये तीनों इंडिया के तीन सबसे बड़े रिलीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक तरह से इंडिया के आज़ाद होने से पहले ये आखिरी बार था जब हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में आके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। पूरे भारत में आक्रोश फैल गया INA के सोल्जर्स को बचाने के लिए। अब अंग्रेजों को सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं आर्मी भी बगावत ना कर दे, क्योंकि इधर जनता ने बगावत कर रखी है, इधर आर्मी भी कर दे तो उनका आगे का फ्यूचर इंडिया में तो एटलीस्ट खत्म था। बाय बाय टाटा गुड बाय, प्लस इज्जत जाएगी वो अलग। और इस इवेंट से इंस्पायर होके रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी हुई। जो रॉयल इंडियन नेवी के सेलर थे उन्होंने उनके साथ हो रही प्रताड़नाओं के खिलाफ आवाज उठाई, जो अब्यूज उनके साथ हो रही थी, जिन कंडीशंस में उन्हें रखा जा रहा था, जो खाना उन्हें दिया जा रहा था, जानवरों से भी बदतर बर्ताव उनके साथ किया जाता था, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठा दी। और अंग्रेज उस टाइम पे पूरी तरह से घबरा गए, क्योंकि अब नेवी में बगावत हो गई, अब मिलिट्री में भी हो गई, तो उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। अब अंग्रेजों को यह समझ आ गया था कि भारत में तो उनकी दाल गलने वाली है नहीं, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि वो लोग इज्जत बचा के यहाँ से निकल सके। और यही रीजन था कि वो लोग सारी चीजें अब जल्दीबाजी में कर रहे थे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन उनकी चालाकियां खत्म नहीं हो रही थी। इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई, इंडिया के अलावा और भी कई देश उस टाइम पे आजाद हुए, लेकिन उन्होंने अफ्रीका को आजादी नहीं दी। उनका प्लान ये था कि जो वॉर से उनकी इकोनॉमी खराब हुई है, जो पूरी तहस नहस हो गई है, उसको वो रिबिल्ड करेंगे और रिसोर्सेज अफ्रीका से लेकर आएंगे वो लोग। कंट्रोल कंट्रोल, लेकिन अफ्रीकन लोग भी बहुत परेशान हुए थे उनसे, तो उन्होंने काफी आंदोलन करे, काफी बगावतें करी, उसके बाद जाके फाइनली अफ्रीकन को भी 1960 में आजादी मिली। वैसे एक इंटरेस्टिंग थ्योरी और भी है अंग्रेजों की भारत को छोड़ के जाने की, वो है रिवर्स कॉलोनाइजेशन की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई एक छोटी कंट्री किसी बड़ी कंट्री पे कॉलोनाइजेशन करती है, जब बहुत ज्यादा वक्त निकल जाता है तो चांसेस ये हो जाते हैं कि बड़ी कंट्री अब छोटी वाली कंट्री को कॉलोनाइज कर लेगी। और ये थ्योरी हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखते हुए बनी है, जैसे रोमन्स और ग्रीक के बीच में ऐसा हुआ था, पोर्चुगीज और ब्राजीलियंस के बीच ऐसा हुआ था, मुगल्स और अफगानिस्तान के बीच में भी ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है कि अंग्रेजों को डर था दिल्ली से ब्रिटेन को रूल करा जाएगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।